नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की एक नई फिल्म आई है भक्षक। इस फिल्म की कहानी 2018 के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से प्रेरित लगती है और कुछ हद तक मिलती जुलती भी है। कुछ नाम जरूर बदले गए हैं और किरदारों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जगह के नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हम आपको आज इस दूसरे पक्ष पर इस पर लिए चलते हैं कि उस जमाने में जब ये घटना घटी थी तब आखिर रिपोर्टिंग कैसे होती थी और क्या वाकई इस घटना को छुपाने की भी साजिश हुई। सबसे पहले एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2017 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की सोशल ऑडिट हुई। इस ऑडिट में, इसमें रिपोर्ट में पता चला कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम का एक बालिका सुधार गृह है। इस बालिका सुधार गृह के जो संचालक ब्रजेश ठाकुर थे, यहाँ 7 से 17 साल की 42 बच्चियां रहती थी। मामला समझिए, इनमें से 34 बच्चियों के साथ जघन्य, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, रेप भी हुए, टॉर्चर की भी घटनाएं सामने आई। आरोप यह भी था कि उनमें से एक बच्ची को वहां दफनाया भी गया। इस मामले में FIR हुई और 2020 में साकेत कोर्ट में दिल्ली में 19 आरोपियों को इस मामले में सजा सुनाई गई और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। हम आज जब संतोष सिंह से बात कर रहे हैं तो हम कोई फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फिल्म जब आप देखिएगा तो तमाम सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप उसमें टटोलने की कोशिश करिएगा कि वाकई एक पत्रकार के लिए उस रिपोर्ट को कवर करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। क्या आखिर रिपोर्टिंग की जो विधा है इसको हम अन्य तरीके से भी समझ सकते हैं? जो पत्रकार हैं खासकर उनको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए कि वाकई इस फिल्म में पत्रकारिता का जो पक्ष है वो कितना उभर कर सामने आया है। संतोष सिंह जो हमारे साथ फ्रेम में बैठे हुए हैं, उस दौर में उस घटना को कवर कर रहे थे, न्यूज चैनल से जुड़े हुए भी थे और मामले की बारीकी को भी बेहतर समझते हैं। इसीलिए आज हमने इनसे इस लाइव सेशन के दौरान ये समझने की हम कोशिश भी करेंगे कि वाकई उस दौर में आखिर हुआ क्या था। क्या सवाल इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो ये भी उठाया गया कि नेशनल मीडिया में उसको उस तरह से तरजीह नहीं मिली, लोकल मीडिया में ये खबरें खूब चली, लेकिन कहते हैं कि पटना तक आते आती वो खबरें दम तोड़ देती थी, दिल्ली तक नहीं पहुंचती थी। क्या है उस मामले की हकीकत और वाकई जब वो उस रिपोर्ट का उद्भेदन हुआ, खुलासा हुआ, तो वाकई तमाम सारे कैमरा जो लगे हुए थे उस शेल्टर होम के आगे वो किसकी उपलब्धि थी और ये कहिए कि उस बच्ची को न्याय दिलाने में किसने क्या महती भूमिका निभाई, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिहार तक पर। और भक्षक की कहानी आपकी जुबानी, चूंकि आप उस दौर में उस घटना को भी कवर कर रहे थे और उन चीजों की बारीकी को भी समझ रहे थे, ये फिल्म जो है पत्रकारिता पर भी एक गंभीर चिंतन का विषय है सर। इसीलिए आज हम आप इस फिल्म के जरिए, हमने जब इस फिल्म को देखा, हमने आपसे पहले भी कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि सर जब मैं फिल्म करूंगा तब आपसे, फिल्म देखूंगा तब मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज हमने फिल्म देखी, वाकई मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख देने वाली ये फिल्म है और आंखें छलक पड़ती है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी भक्षक देखने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, ये हमें लगता है कि अपने देश की ये पहली फिल्म होगी जो पत्रकार के पत्रकारिता शैली पर आधारित, मतलब कैसे खबर को हम एक्सपोज करते हैं, कैसे खबर को के तह तक जाने के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं, सोर्स कैसे डेवलप करते हैं। ये अमूमन हमें जहां तक याद है कि कोई इस तरीके की फिल्म कभी बनी होगी, और संयोग ऐसा रहा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर, राइटर कई बार हमसे मिले, कई बार मुंबई में बुलाया गया मुझे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। और क्योंकि देखिए, जो अमूमन जो मुंबईया फिल्म बनता है ना, उस फिल्म में आप इन चीजों को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे फिल्म में कि पत्रकारिता की वो तमाम बारीकियों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया खबरों को लेकर, कुछ मुंबईया चीजों को अपनाया गया जैसे पैसे देकर सोर्स से खबर लेना, ये सारी चीजें तो बिहार में नहीं होती है, लेकिन बाकी जो चीजें ली गई जैसे आपने देखा होगा कि मधुबनी शेल्टर होम की लड़कियों के साथ बातचीत, समस्तीपुर, दरभंगा, क्योंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा था, और जिस समय में हम ETV में थे 2004-05 की हम बात करते हैं, दरभंगा में मेरा जब स्थापन था,
उस वक्त भी वहां के एक रिमांड होम में घटना घटी थी। वो घटना हुई थी कि एक नए नई लड़का आया था, उसकी हत्या हो गई थी, और हत्या में ही हमें पता चला कि किस तरीके से वहां अप्राकृतिक यौनाचार होता है। शाम में कैसे 5 बजे के बाद अपराधी जो क्योंकि जो ये आपको गृह रहता है, रिमांड होम रहता है, उसमें अमूमन अपराधी प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है कि कम उम्र का है, तो लेकिन शाम में वो क्राइम भी करते थे। उस वक्त हमें टोटल जो प्रोसेस होता है ना सरकार किस तरीके से इस तरीके के रिमांड होम या सुधार गृह को देखती है, क्या ये आपको अमोद कंठ जो दिल्ली में पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या इसको लेकर बहुत सारा काम इन्होंने किया है, उसके बाद बहुत सारे नए एक्ट भी बने, तो वो सारी बातें हमारी जेहन में था कि वो कैसे चीजें होती है। एक्चुअली टिस की रिपोर्ट जब आई, टिस के लोगों को जब इन्होंने सोशल ऑडिट के लिए, अतुल प्रसाद उस समय में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, तो टिस के टीम में ही मेरे जानने वाले एक लड़के, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो संपर्क सूत्र था, जब वो लोग रिपोर्ट करके आए तो पटना में संयोग से हमारी बात उनसे हुई। उन्होंने कहा कि संतोष जी, आपके यहाँ का शेल्टर होम की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन खुलकर उसने नहीं बताया क्या है नहीं है। तो आप ये मानते हैं सर टिस की रिपोर्ट को, चूंकि ये दर्शकों तक भी जानी चाहिए, उस फिल्म में इसी के लिए जो है फिल्म में जो महिला पत्रकार की भूमिका है वो लगातार संघर्ष करती हैं, पुलिस पदाधिकारी के पास जाते हैं, अन्य जगहों पर भी खोजबीन होती है, और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश हुई, वो फिल्म के किरदार को छोड़ते हैं सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जब आपको इस बात की जानकारी मिली कि टिस की रिपोर्ट आ चुकी है और कई आपके लोगों ने बताया, क्या वाकई ये बात सच है कि समाज कल्याण विभाग में वो फाइलें पड़ी रही, जिसका खामियाजा मतलब ये हुआ कि 4 महीने तक और उन बच्चियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी? देखिए लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च में ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया और ये 30 मई के करीब आसपास में एफआईआर दर्ज होता है, लगभग 3 महीने का आप समझ सकते हैं, 2-2.5 महीने का ये सिलसिला रहा। और देखिए टिस की रिपोर्ट में भी रिपोर्ट में सिर्फ 2 ही बात लिखी हुई थी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना, कहीं रेप की चर्चा उन्होंने भी नहीं किया था, कहीं रेप हो रही है इसी बात उन्होंने नहीं की। और साथ ही उसने कहा था कि इसकी आप जांच कराइए एक बार आप, लेकिन किसी ने जांच नहीं कराई। देखिए ये टिस के रिपोर्ट में क्या है ये हमें तब पता चला, ये हम अपने दर्शकों को भी बताया आपके माध्यम से, कि शुरुआती दिनों में सिर्फ इतना ही मेरे पास लीड था कि टिस ने एक सोशल ऑडिट किया है जिसमें कुछ न कुछ मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम को लेकर कुछ बातें हो रही है, लेकिन कोई कंक्रीट चीजें नहीं आ रही थी। और समाज कल्याण विभाग में इस तरीके के का मतलब समझिए कि अतुल प्रसाद का अपना एक ओहदा क्लियर था, हाँ ओहदा था कि अब कोई फाइल इधर से उधर आप करवा नहीं सकते। संयोग ऐसा हुआ कि इसी प्रोसेस में जो मेरा पुराना नेटवर्क था दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर मध्य दरभंगा में रहने के कारण मेरा वो नेटवर्क था, उसी में एक शेल्टर होम में काम करने वाले एक जो 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 व्यक्ति थे उनसे हमारी बात, उनको फोन किया भाई मुजफ्फरपुर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संतोष जी वहां बहुत बुरी स्थिति है, बाढ़ आया था 2003-04 में दरभंगा और मधुबनी में, बहुत जबरदस्त भीषण बाढ़ आई, उस बाढ़ में शेल्टर होम की लड़कियों को वहां शिफ्ट किया गया था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जी, और 1 महीने करीब वहां रही, तो हर लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था ऐसा उनका कहना था। वो अब उस इस दौरान अभी वर्तमान में वो वहां पे उसके शेल्टर होम के प्रभारी वो नहीं थे। क्या संयोग हुआ कि जो वर्तमान में भी जो शेल्टर होम के पदाधिकारी थे उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो चर्चा में उन्होंने करी बहुत बुरी स्थिति है, तो जी बहुत मुश्किल है, और जिस लड़की के बारे में दिखाया गया है कि वो बयान दी, वो लड़की का पहला बयान हमें मिला, हम उससे मिले, इतनी वो सेंटर होम से जा चुकी, लेकिन 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 जब आप उससे मिले, यहाँ हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब जिसका जिक्र संतोष सर अभी कर रहे हैं, इस फिल्म में किरदार है जो उस बालिका गृह में रसोई में खाना बनाने का काम करती थी और उस लड़की ने ही इस मामले का उद्भेदन किया, तो
उसमें फिल्म में ये दिखाया गया है। हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि वो लड़की जो है पहली दफा जब पत्रकार उससे सवाल करते हैं तो वो डरी सहमी सी होती है, जवाब नहीं देने की स्थिति में होती है, मतलब यातनाएं इस स्तर पे थी। संतोष सर, क्या वही चीजें आपको भी उससे बात करते हुए सामना करना पड़ा? लड़कियों में एक डर था, भय का माहौल था कि कैसे बता दें यहाँ रहना है। आप समझिए कि 6 साल से लेकर 17 साल तक की लड़कियां जो बाहर की दुनिया को नहीं देखी, उसकी जिंदगी वही बन गई थी, उससे कोई बयान अपने तक लेके आ जाना, उगलवाना, ये बहुत मुश्किल काम रहा होगा। हाँ आशीष जी, जब हमें वो शेल्टर होम वाले ने बताया, वो लदनिया मधुबनी जिला का सबसे लास्ट, मतलब समझिए कि नेपाल के बॉर्डर पर वो गांव है लदनिया, यहाँ की लदनिया की वो लड़की रहने वाली है और अभी संपर्क में है वो हम वो। और उसके बाद हम लोग उस दौर में अभी 4 लेन हालांकि बन गया था, झंझारपुर हम लोग गए, फिर लदनिया पहुंचे और उस, लेकिन जो भय में लड़की दिख रही थी ना, वो बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि मेरा शादी मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया, अब हम कहीं किसी के है ही नहीं। उसका हमको लगता है कि कुछ इंटरनल इस तरीके का डिजीज भी हो गया था कि वो बहुत कमजोर थी और उस स्थिति में थी भी नहीं, मतलब पहली मुलाकात में ही उन्होंने सारी बातें हमें बता दी क्या मेरे साथ हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी कैसे मिली? चूंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऑडिट होती रहती हैं और पत्रकारों की नजर नहीं जाती, इसलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि पत्रकारिता के तमाम आयामों पर ये फिल्म जो है सटीक उतरती है, तो इस बात की जानकारी आखिर कैसे मिली कि एक सुधार गृह में ऑडिट का काम चल रहा है और इस पर कोई खबर करनी चाहिए? चूंकि आपको आपके किसी जानने वाले ने, आपने बताया जैसा कि समाज कल्याण विभाग में कोई जानने वाले ने इसकी जानकारी दी, क्या अन्य लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी? देखिए एक्चुअली ब्रजेश ठाकुर का जो प्रभाव था ना, पटना के मीडिया जगत के जितने बड़े स्टार रिपोर्टर थे सबके वो काफी करीब करीब थे। आपको हम बताएं कि जिस समय में ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, अगर आप पहले कहते तो वो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देते, उस समय हमारे साथ फोनिंग दे रहा था वो, और वो आदमी कितना कॉन्फिडेंस था उसके पास कि वो कह रहा था कि हम तो ये जो आपको सेवा संकल्प विकास समिति का वो ऑन रिटेन, कहीं कोई मेंबर नहीं है वो, आप ये समझ लीजिए कहीं कोई मेंबर नहीं है। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने मुझे सिर्फ इतना ही मदद किया, वो हर महीने में मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में ब्रजेश ठाकुर ही दस्तखत करते थे, मेंबर नहीं था वो कहीं से भी, लेकिन वो फाइल हमें, वो उसकी फोटोकॉपी हमें मिल गई, मतलब बिहाफ करके ये ऑब्लिक करके वो अपना दस्तखत करता था। जब ये लाइव में उन्होंने कहा कि हम तो कहीं कुछ है ही नहीं, तब हम वो फोटो कहा कि भाई आप तो वहां हर मीटिंग में कैसे उपलब्ध रहते थे, संयोग से उसी समय वो गिरफ्तार, लाइव में वो गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी हुई और ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि ये जो क्योंकि इस संस्थान का ना वो डायरेक्टर था, ना सेक्रेटरी था, ना संरक्षक, तीनों में से जो ऑफिशियल पद होता है उस तीनों में से किसी पद में पद पर ये लोग ये नहीं थे, लेकिन हर मीटिंग में ये शामिल हो रहे थे ऑब्लिक करके दस्तखत करके, वही एक एविडेंस इनको आजीवन कारावास तक ले गया। तो ये तो कहते थे कि भाई हम तो किराए के मकान में दिए हुए, और बताइए इस संस्थान से विधिवत 100 या 200 रुपये ये अपना ऑन रिकॉर्ड, प्रातः कमल अखबार इनका था उसमें ऑन रिकॉर्ड ये किराए के मकान में हम उनको दिए हुए हैं, उसका वो पैसा भी लेते, बहुत कई तरह के कड़ी को जोड़ना बहुत मुश्किल था। और उस समय में मतलब जब खबर चल रही थी तो कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिला, ये तो समझिए। यही हम जानना भी चाहते हैं कि जो चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि उस घटना को जानते हुए समझते हुए जब एविडेंस आपके पास उस तरह से उपलब्ध ना हो रहे हों, तब जब हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी गंभीरता बहुत बढ़ जाती है, और ऐसे भी इतना संवेदनशील मामला जहां छोटी बच्चियों के साथ, 7 से 17 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हों और खुले तौर पर हो रहे हों, और जिसको पूरा अमला जो है वो छुपाने में लगा हुआ हो, और उसमें बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं निकल कर सामने आई जो वाकई हैरान कर देने वाली थी,
तो उस दौरान रिपोर्टिंग की कौन कौन सी चुनौतियां रही संतोष सर, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल खबरों में क्या होता है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आती है और हमें होड़ में उसे सिर्फ जल्दीबाजी में दिखा देना होता है। ये सिर्फ पत्रकारिता का ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो उस दौरान रिपोर्टिंग की कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, उसकी तह तक जाने के लिए आपने क्या किया, ये बताइए जरा। देखिए, सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद भी खबर चलाने की स्थिति में नहीं थी। भाई, किसी शेल्टर होम के बारे में आप कैसे ये खबर चला सकते हैं? वहां लड़कियों का जो है, और जिस लड़की के का बयान मेरे पास था वो 3 वर्ष पहले वहां पर गई हुई थी, आप कह भी नहीं सकते। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि सीतामढ़ी के समाज कल्याण विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर थे उनकी हत्या हो गई। ये स्थल में भी बताया गया। हाँ, वही मतलब समझिए कि हमारे लिए जो एक खबर का जो ये होता है ना कि सोर्स में पहला पहली पहला दरवाजा पहला दरवाजा खुला और उसमें हम मतलब समझ एक होता है ना कि तुक्का मारते हैं कि देखे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, एक तुक्का हम मारे और वो तुक्का इतना सटीक लगा कि 24 घंटे के अंदर में FIR वगैरह सब कुछ हो गई। हुआ क्या, जैसे ही उसकी हत्या हुई, वो बहुत ईमानदार समाज कल्याण विभाग के बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, उनकी हत्या हुई, सनसनी फैल गया पूरे बिहार में। बताइए कि सुशासन के समय में हत्या हो जाए कोई अधिकारी का, हमारी ब्रूटली मर्डर उनका किया गया। मर्डर होने के साथ ही हमने खबर ये ब्रेक किया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी जांच जिसके लेकर टिस ने भी एक रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को दी है। उस वक्त हमने टिस का नाम नहीं लिया था, हमने सिर्फ इतना ही लिया था कि एक संगठन ने वो उसका वहां गया हुआ था और उसमें ये चीजें सामने आई है। मतलब सच कहिए आशीष जी, जैसी ये खबर हमको लगता है 6:30-7 बजे ठंडा का समय रहा होगा, ठंडा नहीं मई का ही बात है, ठंडा गर्मी का समय होगा, खबर जैसी ये ब्रेक हुई ना और ब्रेक के साथ ये खबर आई, मतलब आधे घंटे के अंदर में समझिए कि समाज कल्याण विभाग के कम से कम 10-20 अधिकारियों का मेरे पास फोन आ गया कि संतोष जी क्या क्या मामला है। हमको उसी समय लगा कि सही जगह निशाने पर तीर जो है ना सही जगह पर लग गया निशाने पर, जबकि उस घटना से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से उस अधिकारी की हत्या का कोई कारण नहीं था, कोई जुड़ाव भी नहीं था। लेकिन खबर आई तो दिल्ली में भी चीजें इसी तरीके से, पटना में भी इस तरह की चीजें चली हुई, तुरंत मुख्यालय से जो पुलिस मुख्यालय का कंट्रोल रूम है वो सवाल करने लगे कि मुजफ्फरपुर का क्या मामला था, मुजफ्फरपुर SP GM भी इस चीज में आ गए कि मैं क्या हुआ था, क्या जांच हुआ था। ये आनंद फानंद में सुबह होते होते जाके FIR दर्ज कर दिए, और ये जनाब FIR दर्ज किए तो देखिए कितने बचाने की कोशिश हुई, अननोन, और वो भी उसमें बलात्कार उलत्कार का कोई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला, एक सिंपल जो FIR होता है अननोन, वो FIR दर्ज कर। उसके बाद जो सेकंड करियर है कि जैसे ही वो FIR दर्ज हुआ उस लड़की का बयान हम टीवी पर चला, उस शेल्टर होम में क्या होगा, और हरप्रीत कौर के लिए जो फिल्म में आप देख रहे हैं ना, हरप्रीत कौर के लिए ये समझिए कि रामबाण साबित। और एक और, आप मीडिया में हैं, इन चीजों को समझ, देखिए हम लोग खबर को कंटिन्यूटी में बनाए रखें, मतलब खबर रोज दिखाए, तो हमने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उस समय में कैलाशपति मिश्रा जी की पुतौह थी, बहुत सीधी साधी महिला, बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको ले गए कि आप मुजफ्फरपुर, जबकि उनका वो जुडिक्शन नहीं है, समझ लीजिए कि उनका वो जुडिक्शन नहीं था, लेकिन हमके भाई लड़कियों का बात है, महिला आप है, आपकी बेटी है, जाके देखिए तो सही कि वहां हुआ क्या। तो वो अध्यक्ष और ये हेम्ब्रम जो अभी विधायक है BJP की, निकिता हेम्ब्रम, आपको जमुई बांका साइड की, बिल्कुल अनिकिता हेम्ब्रम, उन दोनों को हम रिक्वेस्ट किया और दोनों उसी दिन FIR दर्ज हुआ, उसी दिन चली गई वहां देखने के लिए, रोक नहीं सकी पुलिस उनको। वहीं से वो कहे कि संतोष जी बाप रे बाप, बहुत तरह का दबाव हुआ भी यहाँ है, बहुत बड़ा जुल्मी है संतोष जी, इसी काम के लिए ही घर बना कर रखा है, बहुत गलत। हम उनको कहेंगे मैडम 3-4 फोटो खींच सकती है तो खींच ली, वो फोटो खींच ली, और वही फोटो समझिए कि बाद के दिनों में खबर को आगे बढ़ाने में चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खबर को कैसे जोड़ा जाए,
और उसके बाद हम आपको आशीष जी बताएं कि देखिए जैसे जैसे खबर चला रहे थे ना, मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम और मजबूत हो रहा था। हाँ, उन लोगों को मेडिकल जांच कराने के लिए लाए यहाँ पे पटना। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट जब आई, जो जैसे कि फिल्म में दिखाया गया, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मतलब कहा गया कि जिनको ये जांच सौंपा जाएगा उसके भी लोग कुछ इधर शामिल हैं इसमें, जो फिल्म का सीन है, तो क्या वाकई ऐसा रियल लाइफ में भी मतलब ऐसे बात करें उस घटना का जिक्र करते हुए, तो क्या वाकई ऐसा था जिस तरह से फिल्म में बताया गया है? देखिए, जो इसका जो मैकेनिज्म है ना, उसका इस तरीके से समझिए कि शेल्टर होम मान लीजिए कि किसी एनजीओ को दे दिया गया, लेकिन उस शेल्टर होम में को नियमित एक डीपीओ अधिकारी, डीपीओ शायद हमें लगता है डीपीओ ही नाम होता है, उसकी पोस्टिंग वहां होती है। उसका काम है कि सुबह शाम वहां है, और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर जो जज होते हैं ना उनको भी महीने में एक बार इस तरीके के शेल्टर होम को विजिट करना है, और उस रजिस्टर विजिटर रजिस्टर पर जज साहब का भी दस्तखत और बाकी लोगों का भी दस्तखत, लग यही जाता कि हम बच जाएंगे। इसी वो इतना कॉन्फिडेंस में था, इसलिए सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन चीजें बदली। ये आप बताइए कि जो जांच करने वाले अधिकारी आते थे ना, उसका भी उसके घर के लोग फोटो खींच के हम लोगों को भेज देते थे, देखिए संतोष जी इसमें ये गड़बड़ी है, समझ गए, देखिए कैसे तारीख बदली गई है, ये सब चीजें का एविडेंस, मतलब वो उनके घर से उनके खास लोग तो वही लोग दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पटना सिटी में इस लड़कियों का मेडिकल कराने के लिए आया जाता, तो उस समय हमें ये जो वहां की नर्स थी ना, वो रिपोर्ट मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, महिलाओं का सेंटीमेंट लगता है जग गया, और वो 7 लड़कियां प्रेग्नेंट थी। और लेकिन जैसे महिलाओं का सेंटीमेंट तो नहीं जगा सर, सवाल तो इस फिल्म में वो भी बताया गया कि देखिए खाना बनाने वाली भी वहां महिलाएं थी, और भी कई सारे लोगों का जो उनके राजदार हैं ब्रजेश ठाकुर के, वो भी तो महिला थी, उनकी संवेदना नहीं जगती और इतनी बड़ी घटना हो जाती है सुबह के अंदर, तो ये तो इस पे भी एक सवाल है ना, उस सेंटीमेंट जिस सेंटीमेंट का आप जिक्र कर रहे हो वहां। आशीष जी क्या हम आपको बताएं, मतलब अभी जो लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं उस समय में खबर चलते रहे इसके लिए कई एनजीओ वाले से संपर्क करके कि कुछ लड़कियों को रोड पर 10-12 लड़कियां सामने आती थी, मुर्दाबाद का इसकी जांच होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड करके हम लोग चला रहे थे, विमेंस कॉलेज की लड़कियों को जबरदस्ती इंटर बाइट लेके चला रहे थे, गांधी मैदान में पहुंचकर लड़कियों का बाइट लेके चला रहे थे कि कुछ हो जाए। देश के बड़े बड़े पत्रकार कुछ समय में दिल्ली ब्यूरो में रहा था, निर्जा चौधरी बाकी जो वहां महिला पत्रकार संघ की अध्यक्ष थी, उन लोगों का रिएक्शन चला रहे थे कि किसी तरीके से ये इस खबर को आगे खींचे और ये चीजें बने, मतलब मामले की गंभीरता को सीधा सीधा सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि इस पर और ज्यादा एक्शन तेजी से हो सके। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार बातें पहुंचे, इसकी जो कोशिश मेरी चल रही थी अकेले, और ये यही लग रहा था, लेकिन सहयोग ऐसा हुआ कि एक एक चीज मिलता गया करीब, और एक दिन ऐसा आया कि हाई कोर्ट रिपोर्टिंग पर रोक लगा, तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी होगी। वो कौन सा दिन था अगर संतोष सर आपको याद हो, क्योंकि जब वो फैसला है, उसी सवाल पर आ रहे थे कि रिपोर्टिंग के पैटर्न पे भी कई तरह के सवाल उठे, जैसा कि आपने कहा अभी, वो क्या वजह थी कि ये फैसला लेना पड़ा हाईकोर्ट को? देखिए आशीष जी, जब हमको लगा कि अब ये लड़ाई आधे रास्ते में ही रह जाएगी, क्योंकि जितना रसूख वाला वो लोग था, सब लोग अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया, लड़की का मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा था, एक होता है कि सब लोग साथ अगर इस एफर्ट से बढ़िए तो फिर उसका एक अलग ये होता है। तो मैं खुद पीआईएल फाइल करवाया हाईकोर्ट में, समा सिन्हा एडवोकेट थे, बहुत महिलाओं में बड़ी मजबूत एडवोकेट है, उनसे संपर्क करके हम एक अपने मित्र मेरे हम नाम मित्र संतोष को हमने कहा कि भाई आप इसके आवेदक बन जाइए, और उसी पीआईएल के सुनवाई के दौरान सरकार ने मांग नहीं किया था कि मीडिया की रिपोर्टिंग की बंद कर दीजिए, कोर्ट मीडिया की रिपोर्टिंग को बंद कर दिया कि नहीं ये ऐसा संवेदनशील मामला है जिसमें हाईतोबा करने की जरूरत है। ये जो मीडिया की रिपोर्टिंग पर जो रोक लगाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा ना, ठीक
उसके दूसरे दिन प्रशांत किशोर एडवोकेट जो है प्रशांत भूषण है, प्रशांत भूषण रांची में किसी कार्यक्रम में आए हुए थे, तो मेरा रांची ब्यूरो था, प्रशांत भूषण को हम लोग लाइव पर जोड़ दिए, उन्होंने कहा जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े बाद में हटे भी, हाँ तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बोला कि हाईकोर्ट को ये राइट ही नहीं है कि मीडिया के इसको उठाए। और उसी दौरान निवेदिता झा यहाँ पहले पत्रकार थी, अब उस सब दौर में एक्टिविस्ट हुई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फौजिया शकील वहाँ वकील थी जो लड़ाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ कि जैसे ही वहां हम लोग गए कि भाई मीडिया को बैन कर दिया गया है रिपोर्टिंग करने के, सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में हमको लगता है कि लुथुर जज थे, पटना हाईकोर्ट में जितना मामला दर्ज था वो उसको सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला लिए, मीडिया पर जो बैठ था उसको हटा दिया और पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली में होना चाहिए, फिर उसके बाद तो समझ जाइए कि सीबीआई को केस सौंप दिया गया। सीबीआई को जब केस सौंपा गया और सीबीआई जिस दिन ब्रजेश ठाकुर के घर पर जेसीबी लेके पहुंचा खुदाई करने के लिए कि एक लड़की की हत्या हो गई है, उसके बाद फिर सारी मीडिया को लगा कि नहीं मामला बहुत गंभीर है, फिर तो जो चीजें आई सब कुछ सामने है, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था वो दौर जो है, तो बहुत मुश्किल दौर था आशीष जी, क्योंकि बैकग्राउंड मीडिया भी था उनके पूरे लेकिन परिवार, लेकिन अपने दर्शकों को, चूंकि कई सारे दर्शकों के मन में सवाल होगा कि उस शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियां आजकल कहाँ हैं, तो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े ललन टॉप की खबर के मुताबिक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियां जो हैं वो समाज कल्याण विभाग के रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु उनको भेजा गया था। 2020 में 14 बच्चियों का पहला बैच जो है बेंगलुरु पहुंचा और एक साल के होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स में उनका दाखिला भी होता है। इसके बाद उस डिपार्टमेंट ने बच्चियों को दो और बैच में पढ़ाने के लिए भेजी और 34 में से 17 बच्चियां अलग अलग होटलों में आज काम कर रही हैं और अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं और अच्छी खासी सैलरी पर काम कर रही हैं। संतोष सर, आखिरी सवाल ये होगा कि उस दिन का माहौल क्या था जब इस मामले का उद्भेदन हुआ और आपने जैसा कि बताया कि जब ब्रजेश ठाकुर के घर पर सारे कैमरा लगे हुए थे, उस दिन आपके मन में किस तरह के ख्याल आ रहे थे कि एक शुरुआत करने से लेकर अंजाम पहुंचने तक की घटना जो होती है और जब आप इसमें सफलता पाते हैं तो ये एक इंटरनल खुशी होती है पत्रकारों के लिए, तो वो दिन कैसा रहा और उस दिन के रिपोर्टिंग को लेकर के भी मुझे लगता है कि आप अगर इस पर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। मतलब जिस समय खुदाई हो रही थी उसके पहले हमें बहुत ज्यादा थ्रेट मिल रहा था, अच्छा। आपको बहुत ज्यादा अपने आप को ऑफिस से घर, पटना पुलिस की बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा कि हमारे ऑफिस से निकलने के दौरान घर पहुंचने के दौरान हर लोकेशन पर वो अपने तरीके से वो हमको मैनेज करते थे, नजर हम पर नजर रखते थे। दो ही कमजोर वीक पॉइंट होता है ना, ऑफिस और घर, जहां आप इन करते हैं आउट करते हैं, उसका समय को लेकर बहुत सारी चीजें हमने, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि नहीं मुजफ्फरपुर जाना चाहिए दिन के उजाले में। कई बार हम गए और हमें याद है कि हम ब्रजेश ठाकुर के घर पर पहुंचे और उनकी बेटी, आज भी वो फुटेज मुझे याद है, मतलब हम पर हाथ नहीं चलाई लेकिन क्या नहीं वो बोली, आप हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले हैं, आज जितने कैमरे वाले दिख रहे हैं सब आपकी वजह से, बताइए कहां कंकाल मिला, मतलब हम तो जो कहना था भाई आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया, हमको भाई ऐसा कुछ नहीं है, वजह कुछ नहीं है, हाँ कुछ चीजें ऐसी घट, बताइए जो जो सवाल जो अभी हम कर रहे हैं ना, हमारे पिताजी हम इसके कहीं कोई, अच्छा, है सरकारी दबाव भी था, सरकारी दबाव, पहले आप अपनी बात पूरी करिए और आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की रिपोर्टिंग होती है और जब आप किसी मामले के उद्भेदन की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि बहुत तरह का दबाव सामने आता है, और सीधा सीधा सवाल, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, मुख्यमंत्री तब भी नीतीश कुमार हैं, अब भी नीतीश कुमार ही हैं, तब भी थे, कोई सरकारी दबाव भी वाकई काम करता था या ऐसा कुछ नहीं रहा, उन्होंने निष्पक्षता से इस बात की जांच कराई और जैसे ही मामले का पता चला सीबीआई को जांच सौंपा गया, मामला समाज कल्याण विभाग में जरूर अटका। देखिए हम जब सब कुछ खुलकर बात हो रही है तो भी बात कर ही देते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, देखिए हमारे चैनल के मालिक जदयू के विधायक थे और यही विधानसभा का सत्र चल रहा, हमें लगता है कि सीएम से उनकी कुछ बात हुई होगी, तो हमसे पूछे, उन्होंने पूछा कि भाई संतोष जी आप ही क्यों चला रहे हैं, क्या मामला है, हमके सर जीवन में जितना पाप पुण्य आप किए होंगे ना
बहुत जीवन में किए होंगे, जितना करोड़ों के आदमी बने हैं बहुत गलत सही किए होंगे, ये एक पुण्य का काम है, इसको करने दीजिए, जितना पाप किए होगा सब सर धुल जाएगा। उस व्यक्ति ने फिर हमको ये कभी नहीं रोका कबल। ये बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने कभी फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और आखिरी एक बात और हम बता दें कि इस विभाग, आज आप ही के चैनल पर हम दो तीन दिन पहले अतुल प्रसाद जी ने बयान दिया कि भाई ये मेरा क्रेडिट है, हमने उसको एक्सपोज किया। हम आज ही अपना उस पर वीडियो बनाए हैं कि उस समय में सीएम के आप सचिव हुआ करते थे अतीश चंद्रा ने हमें बुलाया, अतीश चंद्रा सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव और अतुल प्रसाद तीनों बैठे हुए थे, और जो कुछ भी हुआ आमने सामने हम उसको अब सामने लाना ठीक नहीं है, आज हम अतुल प्रसाद जी को ये याद दिलाए और एक और बात कह देते, ये आदमी समय में इसको मैक्सिसे अवार्ड जरूर लेंगे, बहुत चतुर चलाक आदमी, आज तक क्षेत्र समाज कल्याण विभाग के अलावा किसी दूसरे विभाग में ही प्रधान सचिव नहीं रहे, 6-7 साल रहे ये, 17-18 से जो थे नीतीश कुमार इनको कभी हटाया नहीं। और जिस लड़की के बारे में ये बेंगलुरु बोल रहे हैं ना, हम दावे के साथ आपको ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, वो जो लड़कियां वहां थी उसमें से अगर एक भी लड़की बेंगलुरु के किसी होटल में आज काम कर रही है, हम भी पत्रकार है और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत मजबूत है, हम जानते हैं कि अपना चेहरा, वो सारी लड़कियां आज मोकामा का जो एक शेल्टर होम है उसमें रह रही है, समझिए वो उस मानसिक हालत में थी ही नहीं, उसको आप पढ़ा सकते हैं। हम आपको एक और आखिरी बार एक जानकारी दे देते हैं, साकेत कोर्ट में अब दिल्ली में सुनवाई हो रही थी, कोर्ट में जाने के लिए एंट्री करना पड़ता है, वहां पुलिस में दिल्ली पुलिस बैठी हुई, जैसे ही हम कशिश न्यूज लिखे संतोष सिंह लिखे, वहां एक सिविल में आदमी खड़ा था, वो कहा कि आप चलिए मेरे साथ, उनके साथ हम गए, इस पूरे प्रोसेस में जुडिशियरी प्रोसेस में एक महिला अधिकारी जुड़ी हुई थी, वो हमको उनके चेंबर में, हम बोली वो खाना खा रही थी, लेकिन वो आई, वह तुरंत बुला ली हम, वहां एक सीबीआई का एएसपी रैंक का अधिकारी बैठे हुए था, ये इन्हीं का इसका वकील था बैठा हुआ, आपको ब्रजेश ठाकुर का, मतलब जो वो गैंग वो लोग थे जिन जो एक्यूज थे उसके वकील वहां बैठे हुए थे, हम तो अननोन पत्रकार हैं चले गए, हमसे पूछा गया कि संतोष जी जितनी लड़कियां हैं आप कभी मिले हैं, हम कहे हाँ 2 बार मिले, इसमें से आपको लगता है कि किसी लड़की को किसी नेता के यहाँ भेजा जाता हो, किसी लड़कियों को किसी ब्यूरोक्रेट के जो आप चलाए हैं, कभी आपको लगता है? आपके ना नहीं लगता है, आपको लगता है कि इसकी मानसिक हालत या जिस तरीके की लड़कियां हैं वो उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाने की स्थिति में, हमको नहीं लगता है। हम उस बातचीत चल ही रही थी ना, तो हम बोले कि अच्छा हमको बाकी किसी से कुछ मत पूछिए, एक कविता नाम की लड़की है जरा उससे पूछिए, मतलब सच कहें कि जैसे ही हमने नाम लिया ना कविता का, बाकी जितना उसका वकील बैठा हुआ था सीबीआई का बैठा सब उठ के चला गया, हमको लगा ही नहीं कि हम बोल क्या दिए, समझ गए, और हमसे तो चलता कैसे है ये चीज, संतोष जी कविता तो ऑन रिकॉर्ड वहां नहीं है, मैडम यही तो खेल है समझने का जो हम बाद में एक्सपोज किए। देखिए ये शेल्टर होम दिखाने के लिए है आशीष जी, पूरे देश में शेल्टर होम के सरकार है ना, सरकार ही उसका अड्डा बनाए हुए, पैसा नहीं देती है सरकार, 300-400 रुपया महीना कोई लड़की को 1 महीना रख सकता है, खाना पीना बस सब दे सकता है, और भी 6-8 महीना पर पैसा देगा, आधा पैसा देगा, कैसे चलाएगा संस्था, संस्था निश्चित रूप से। लेकिन लेकिन जब एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि हमने इतनी बातें की भक्षक पर इस फिल्म को लेकर के भी शेल्टर होम पर ये फिल्म बनी, और अब चूंकि लोगों के सामने एक और किरदार उभर कर सामने आया कि फिल्मों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझ सकते हैं, इस फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए इस फिल्म से तो मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हाँ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर से और इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं काफी हम लोगों के बीच संवाद हुआ, और मुझे मतलब ये अच्छा लगा कि एक डायरेक्टर के रूप में एक राइटर के रूप में जो पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता एक विधा है भाई, उस विधा को इसने समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है, उस विधा को इसने समझा और उसको 100% उतारने की कोशिश किया,
ये उनके उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी रही कि वो नाम उनको बदलना पड़ा, क्योंकि ये अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही इनको सजा मिली है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होना बाकी है। ऐसे में आप मुजफ्फरपुर नहीं कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर करना उनको करा। देखिए रिपोर्टर का नाम उन्होंने वैशाली सिंह रखा है, कशिश न्यूज को उन्होंने कोशिश न्यूज किया है, और आप उसका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना, मतलब इतना बारीकी से डायरेक्टर लोग देखता है, राइटर लोग, हम खुद हम हैरान हैं। जो बिहार का नक्शा पीछे, यही मेरा रूम था, आपको लग रहा होगा कई लोग इस सवाल किए भाई कशिश इतना दलित चैनल कैसे हो गया, अरे हम कशिश चैनल के एडिटर इन चीफ थे, लेकिन हम मेरा कमरा इसी दलित टाइप का, हम अपना वो कमरा जो शुरुआती दिनों में जो कशिश का जो एक कमरा था ना, उसी कमरा में हम अंत समय तक रहे, जब तक कशिश में रहे, कभी वो केबिन में हम नहीं गए, जो एडिटर इन चीफ का केबिन बना हुआ था बहुत शानदार, उस केबिन में हम कभी नहीं बैठे, उसके पीछे बिहार का नक्शा लगा हुआ था, और हम जब कभी होते कैमरामैन को बुलाते थे तो कैमरामैन जो है सो अपना आता था, कैमरामैन मेरा सुनील, सुनील का कैरेक्टर इतना जबरदस्त मिश्रा जी निभाए है कि खाना खाने का बहुत प्रेमी है सुनील, जहां जाए खाना, मतलब कितना मॉनिटरली वो वाच करता है इन लोग, ये समझने वाली बात, मतलब फिल्म बना, बिल्कुल हाँ जान झोंक दिया है संजय मिश्रा ने, हाँ, कोई दोराई वाली बात, हाँ हर कलाकार जिन जिन को जो भूमिका मिली, चाहे वो पेडिकर जी हो, सबकी अपनी अपनी कलाकारी जो है इस फिल्म में एकदम नेचुरल तरीके से उभर कर सामने आई। देखिए कोई लड़का ये एक्टिंग कर ही नहीं सकता था, समझ गए, हाँ फिल्म इंडस्ट्री का किसी भी लड़के का कुछ अपना महिलाओं वाली बात ये अलग बात है, लेकिन वो रिपोर्ट जो लास्ट कैमरामैन मिश्रा के साथ मैं वैशाली सिंह कोशिश न्यूज, ये जो संदेश उनका है ना, वो हमें लगता है कि आज के बिल्कुल वो वाकई मतलब बहुत ही शानदार है, और उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही इसके जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और संतोष सर आपने भी उस दौर को समझा देखा और इस गंभीर मामले पर एक सकारात्मक रिपोर्टिंग करते हुए उन बच्चियों के पक्ष में जिन लोगों ने भी आवाज उठाई वो सब बधाई के पात्र हैं, और इस फिल्म के किरदार भी बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए। संतोष सर को आप सुन रहे थे, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर से आधारित मिलती जुलती एक भक्षक फिल्म बनी है, और आपको लगता है कि आप उस दौर को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।